Mick. Shubhangi ji. Yes, sir. ये आपका सेकेंड चांस है. यस सर. ठीक है. आप बताइए वाटर बॉर्न डिजीज क्या कौन कौन सी होती है? So, पानी से कौन सी बीमारियाँ होती है? सर पानी से सर फ्लोरोसिस ब्लू बेबी एंड सर कन्फर्म हो ये बताना. यस सर. PMGSY एक स्कीम है भारत सरकार की. क्या है ये? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना. ग्राम सड़क योजना. यस सर. इसमें RTI की क्या भूमिका है हो सकती है? सॉरी सर. RTI जानते हो कब बना था? एक्ट 2005 में. यस सर. सूचना ले सकता हूँ कोई भी किसी से भी? यस सर. कुछ शर्तें जिनके तहत नहीं दी जा सकती. राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो या विशेष बात हो तो इसमें क्या भूमिका RTI से? सॉरी सर. ठीक है तैयार करना. प्रोबेबल क्वेश्चन है. कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप तैनात हैं. यस सर. वहाँ धूल मिट्टी और अन्य प्रकार का प्रदूषण हो रहा है उसको कैसे रोकोगे? सर इन जनरल वी यूज ग्रीन कर्टन्स टू सराउंड द बिल्डिंग सो ताकि ना डस्ट वगैरह हवा में मतलब डायरेक्टली ना जाए. जैसे मान लीजिए सीमेंट इकट्ठे खाली कर रहे हैं. यस सर. तो उनसे उड़ती है सीमेंट. यस सर. कैसे रोकेंगे? सॉरी. क्या करने के लिए कहो? नीचे से डालोगे ऊपर से क्यों डालोगे? नीचे से. कम उसका हो. यस सर. मिट्टी उड़ के आ रही है उसका छिड़काव करा लो. यस सर. ठीक. उदाहरण के लिए यील्ड वेल कैसे निकालोगे? यील्ड ऑफ वेल यील्ड YIELD यील्ड ऑफ वेल सर 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 पर यूनिट वी कैलकुलेट यील्ड ऑफ वेल थ्रू पर यूनिट डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉडाउन. तो सर हम पहले पानी निकालेंगे पंप से पानी निकालेंगे जब तक कांस्टेंट डिस्चार्ज नहीं आ जाता. ठीक है. डेंसिटी ऑफ PCC RCC एंड स्टील बताइए. PCC RCC एंड स्टील सर डेंसिटी ऑफ PCC इज 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. RCC इज 24 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. PCC 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब ऑफ RCC एंड सर स्टील का आइडिया नहीं. क्यों निकालते हैं? डेंसिटी क्यों महत्वपूर्ण है तीनों में? इसी रेशो में क्यों दूसरे नंबर में नहीं हो सकती? ये फिक्स है ये. सॉरी सर. ठीक है. एस्टीमेट बनाते हैं. यस सर. निर्माण विभाग में उसमें टाइम फैक्टर की क्या भूमिका होती है? टाइम उसमें टाइम दिया जाता है. यस सर. निर्धारित किया जाता है. यस सर. कॉज सर टाइम से हमारे कॉस्ट पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है. अगर टाइम ज़्यादा होगा तो हमारी मतलब टाइम ज़्यादा होगा तो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ सकती है. तो सर इसलिए हम थोड़ा सा टाइम को प्रायोरिटी लेके चलते हैं. कार्य को समानुपातिक प्रोपोर्शनेट रूप से yes, उसकी प्रोग्रेस देखने के लिए भी सही यूज होता है. टेंडर में कंडीशन नंबर 2 और 3 होती है वो स्टैंडर्ड है उनमें उसके अनुसार इतना प्रोग्रेस आनी चाहिए स्लो नहीं है इसलिए टाइम फैक्टर का महत्व. शुभंगी जी. यस सर. आप अभी इस रूम में बैठे हैं. आपके ऊपर स्लैब है. यस सर. ये कौन सी स्लैब है? सर टू वे. कैसे पता पड़ा आपको? सर बेसिकली चारों तरफ से चारों साइड से सपोर्टेड है. तो मैं कोई एक बहुत लंबी उसको भी चारों तरफ से सपोर्ट करता हूँ. यस सर. तो वो स्लैब भी टू वे स्लैब पे लाएगी? नो सर. सर उसमें सॉरी सर. ओके. ये कौन सा स्टोन है? mm-hmm.
आप जिस चेयर पे बैठी हैं यस सर, उसके ऊपर जिस फॉर्म पे बैठी है, ये कौन सा फाउंडेशन है? सॉरी सर, ये फाउंडेशन कौन सा है? चेयर, चेयर के ऊपर जो फॉर्म लगा हुआ है जिसके ऊपर आप बैठे हैं, यस सर, तो वो कौन सा फाउंडेशन है? और जो उसके चेयर्स के जो लेग्स है, ये कौन सा फाउंडेशन है? सर पाइल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन, पाइल में क्या करते हैं? कैप भी प्रोवाइड करते हैं। कैप है क्या आपके इसके? नहीं है। देन हाउ इट इज कॉल्ड एज अ पाइल? ओके, एक चीज आती है प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, इन सीवियर जोन कितना होता है? एक आपने सुना होगा नाम नेसेंट, नेसेंट ऑक्सीजन, कहाँ यूज होती है? एरिएशन ऑफ वाटर, सॉरी, इन एरिएशन ऑफ वाटर, एरिएशन ऑफ वाटर या डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। एक चीज आती है डेंसिटी ऑफ वन सीमेंट बैग कितनी होती है? 0.0035 रखा, उसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे? 500। कैसे? IS 3370 इज अ कोड ऑफ द कोड फॉर, सॉरी सर, 875 सर, फॉर डिजाइनिंग लोन, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग लोन, लोड्स। तो लोड्स के अंदर सेस्मिक जोन के लिए कौन सा है? सर सेस्मिक के लिए अलग है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट कोड, बट सेस्मिक के लिए अलग है, सेस्मिक के लिए अलग है। यस सर, लोड्स की जो बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ही आ जाएगा ना बेटा? यस नो सर, बट इस टाइप के लोड्स होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, लाइव लोड इज इट देयर? यस सर, या इंपोज्ड लोड बोलते हैं उसे? सर इंपोज्ड लोड, एंड यू आर सेइंग लाइव लोड इज देयर? यस सर। लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होती है? लाइन ऑफ कोलिमेशन, सॉरी सर, डक्टिलिटी एंड ब्रिटलनेस में मेजर डिफरेंस क्या है? सर डक्टिलिटी रिजर्व स्ट्रेंथ हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रिटल, डक्टिलिटी में हमारे ब्रिटल में देर सडन फेलियर, और डक्टिलिटी में हमारे पास एक यील्ड स्ट्रेन होता है। इस कांच की ग्लास को मैं गिरा देता हूँ, ये टूट जाती, हाउ यू एंड मी कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल? देयर इज सम टेक्निकल, इफ यू आर गोइंग टू बिकम ए यस सर, टेक्निकल टर्म से बात करिए। ओके सर, पता? यस सर। ओके लास्ट, डोवल बार्स क्या होती है? डोवल, सॉरी सर, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर विच इज गिवन बाय हुक्स लॉ, किस जोन के लिए दिया गया? किस जोन के लिए दिया गया? इट इज गिवन टू विच जोन? It is a stress strain curve for the mild steel, yes, in sir. tension zone. Okay, yes, thank you. So, shear failure. Sorry, sir. Shear failure. Sir, okay. Is it different for ductile material and brittle material? Yes, sir. कितने कितने कुछ होता है शायद प्लेन्स एंगल वगैरह क्या होता है? सर डक्टाइल मटेरियल के लिए एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम वेयर? फ्रॉम प्लेन्स प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल प्लेन, यस सर, प्लेन एट व्हिच लोड इज अप्लाइड, टेंसाइल लोड इज अप्लाइड। ओके, एंड सर फॉर ब्रिटल मटेरियल इट इज अलोंग द, इट इज सॉरी सर, अलोंग द, along the cross section, along the cross section, yes sir। ठीक है, आप songs सुनना पसंद करती हैं? yes sir। मुझे कुछ बताएं songs के कोई घराने वगैरह हैं क्या इंडिया में? yes sir। घराने होते थे ना, घराने संगीत के, संगीत yes, के sir। कुछ हैं ध्यान आपके?
सर हैं बट अभी ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, एक होता है गीत और एक होता है संगीत, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? आपने लिखा रीडिंग वेबटून्स। यस सर। वेबटून्स क्या होते हैं सर? ऑनलाइन कॉमिक। ऑनलाइन कॉमिक्स। यस सर। उनको पढ़ना पसंद करते हैं? यस सर। ओके, इंटरेस्टिंग। क्या पढ़ते हैं इसमें, क्या होता है सर? इसमें बेसिकली डिपेंडिंग ऑन ऑथर, वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार दे अपलोड एवरी चैप्टर। और सर उसमें लाइक स्टोरी कंटिन्यू होती है, और कुछ कॉमिक्स हैं जो लिटरली बहुत यू नो अच्छी है। जैसे सर देर इज़ अ लिटल सीक्रेट, इट्स अबाउट अ गर्ल हु हैज बीन थ्रू चाइल्ड ट्रॉमा एंड देन शी स्टार्ट्स हेलुसिनेटिंग अबाउट थिंग्स। तो या इट्स वेरी थ्रिलर। एंड अपन इससे अच्छा तो कॉमिक्स की बुक आती है ना, वो लिया हो एक ही बार में सारा थ्रिलर ही खत्म। बट सर अभी फ़ोन में था, थोड़ा कन्वीनियंट रहता है। फ़ोन में पढ़ना कन्वीनियंट रहता है? यस सर। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन का जो अब युग आ गया है, तो आप सहमत है कि ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए? नो सर, मतलब दैट इज बेसिकली ऑनलाइन एजुकेशन ना, आप उसी से पढ़ रहे हो तो ठीक है। यस सर, बट डिपेंड करता है सर कि जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है तो अभी मेरे लिए भी कन्वीनियंट नहीं होगा, और यहाँ पे कॉमिक इतनी अवेलेबल भी नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई मेरे लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा कन्वीनियंट है। ओके, चलो हिंदी कॉमिक्स के नाम बताएं। सर दे आर बेसिकली इंग्लिश। हाँ ये मुझे पता है, ठीक है, कोई हिंदी कॉमिक भी होगी डेफिनेटली जो वेबटून नाम बता रहा हूँ मैं। नहीं है? नहीं है सर, बेसिकली दे यूज लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लाइक कॉमिक आई रीड सर, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंग्लिश में ही, उनके ऑथर्स बेसिकली जापान कोरिया वहाँ के होते हैं एंड देन दे आर ठीक है लोकल, उनकी जो लैंग्वेज होगी उसको ट्रांसलेट करते हैं। पर डेफिनेटली कोई हिंदी भी होगा जो अपने देश का होगा, वो अपलोड करता होगा। सॉरी सर, अवेयर नहीं हूँ। ओके, नॉवेल आप पढ़ते हैं, कौन सा नॉवेल पढ़े हैं आपने? सर अभी तो सटल आर्ट पढ़ी थी। ओके, और सर पहले ऑल्ट इन द स्टार्स पढ़ी थी। किनकी है ये सर? वो ऑथर का नाम याद नहीं। ऑथर का नाम नहीं पता? हमने नॉवेल पढ़ी, ऑथर का नाम नहीं पता। चलो सिविल इंजीनियरिंग पूछते हैं कुछ। गिट्टी बोलते हैं किसी सिविल इंजीनियरिंग में, एक बहुत टर्म है यूज होती है, गिट्टी सीमेंट और समथिंग समथिंग का कुछ रेशियो होता है, कुछ सुना है ऐसा आपने सिविल इंजीनियरिंग में? बोलते हैं गिट्टी का सीमेंट का एक चीज़ और होती है, इन तीनों का कुछ रेशियो बनाना होता है अपने को। यस सर, सीमेंट फाइन सैंड और कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट। अच्छा, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, क्या रेशियो होता है, कुछ स्टैंडर्ड रेशियो है इसका कुछ? सर डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ। चलो किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, मेरे को इसके लिए करना है तो क्या होगा? डिपेंड कौन से? कोई भी एक एग्जांपल बता दो। चलो सारे डिपेंड्स हटा के M20 MS2 किसके लिए यूज़ होगा, कितना रेशियो होगा उनमें, इन चीज़ों का? सर फॉर आप कह रहे हो ना M20 आपने कहा। यस सर। तो इसमें क्या है, उन चीज़ों का क्या रेशियो है? सीमेंट फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का रेशियो होगा 1:1.5:3। ठीक है। यस। और किस लिए यूज़ करेंगे इसको M20 को? सर इट इज़ अ मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो हम लेके चलते हैं। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिस कहाँ है? RBSC, CBSE। अजमेर। अजमेर में है, इसको अजमेर में बनाने का क्या रीज़न है? ओके, सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा है? यस सर। तो सॉइल क्या होती है बताएं? सर सॉइल इज बेसिकली कंपोज ऑफ 3 फेज, ओके, सॉलिड लिक्विड एंड एयर। ओके, सो व्हाट इज लिक्विड पार्ट इन इट? वाटर। सॉइल में वाटर होता है? इन वॉइड्स। ओके, सॉइल आपने जो डेफिनेशन दी इज इट ओके, और कुछ उसमें आप चेंजेस करना चाहेंगे? सर इट्स नॉट ओके, आई नो इट्स नॉट ओके, सो करेक्ट इट। अच्छा, व्हाट इज मैकेनिक्स? सॉरी सर, व्हाट इज मैकेनिक्स? Sorry, sir. Okay, what do you read in soil mechanics?
सर अबाउट सॉइल्स लोड बेयरिंग कैपेसिटी, ओके, अबाउट इट्स स्ट्रेंथ, अबाउट शेयर स्ट्रेंथ. सो नाउ यू कैन टेल मी व्हाट इज मैकेनिक्स? एनालिसिस ऑफ सॉइल. इट इज मैकेनिक्स? नो सर, सॉरी सर. आर पी एस सी में कब आपका? सर 29 अक्टूबर. सितंबर? अक्टूबर. अक्टूबर में टाइम है तो टेक्निकल टर्म्स थोड़ा तैयारी गहराई से करें मेरे को. एप्लीकेबिलिटी, आईएसआई स्टैंडर्ड्स नंबर और सब्जेक्ट को रिवीजन करने सभी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी लाओ और तकनीकी टर्म्स में ही जवाब देना है. अखबार पढ़ते रहे, नोट बनाए, पहले ही बताया आपको और उनके क्वेश्चन आएंगे. तो 15-20 दिन महीने भर पुराने अखबारों से पुराना से कोई सा अखबार ले लो, एक नोट बनाए आप. ओलंपिक हुए, पैरालंपिक हुए, उनके यूएस ओपन हुआ, कौन जीता, राजस्थान से कौन कौन खेला, इस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में राजस्थान से कौन कौन मंत्री हैं, ये सब तैयार करते रहे. ठीक है, गवर्नर्स कौन रहे खत्म, ये ठीक है. जनसंख्या है, लोक देवता है, माइंस मिनरल्स हैं, उद्योग धंधे हैं, पशुधन है, पूरी तैयारी के साथ. ओके, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर.